to my channel. I am up with another video. If you don't know who I am Divyanshi Arora. I make budget friendly videos weekly. So let's get started with today's video. So basically आपने मेरे पूरे पहले के videos देखे होंगे और मैं गई थी थाईलैंड और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ the one and only shopping vlog. Like literally shopping vlog. इतना सस्ता सारा एक्स्ट्रा लगेज खरीदना पड़ा गाइस पे H&M एंड Zara पे टक्कर वाली है और ऐसी पैटर्न भी नहीं गाइस सी ये सिर्फ प्लैटिनम मॉल के कपड़े तो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ मैंने कहाँ से कितने का लिया है ब्रेकर ऑफ द मतलब इतने अच्छे प्राइस में मुझे ये मिली तो अभी भी मुझे याद आ रहे हैं कपड़े की मेरे बहुत सारे मिसिंग है सो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो सो बेसिकली मैं ज्यादा तो कवर नहीं कर पाई वहाँ की मार्केट्स बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज प्लैटिनम मॉल से मैंने बेसिकली ड्रेसेस ज्यादा खरीदी हैं सो अब आपको पता चल जाएगा सो फर्स्टली आ जाते हैं ड्रेसेस पे ये तो अभी तक मैंने पहनी नहीं है एक प्रिंसेस ट्यूब ड्रेस है विद पफ स्लीव्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी है द सेकंड पीस ये भी 300 बात का 300 अप्रॉक्स हुआ इंडियन करेंसी में 600 टू 700 बात सो इसका स्टफ बहुत प्यारा है बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है मैंने अपनी सिस्टर के बर्थडे पे पहना था बहुत ही ज्यादा प्यारा स्टफ है इसका सी गाइस दिस ब्यूटीफुल ब्लू ड्रेस ये यहाँ से इसका थोड़ा सा प्रिटी सा पैटर्न है बहुत प्यारी ड्रेस है ये प्यारा डिटेल है बहुत सॉफ्ट है एंड द लास्ट ड्रेस इज दिस व्हाइट फ्लोरल ड्रेस ये 200 की है नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस प्रिटी गॉर्जियस कॉट सेट इस पे तो मेरा दिल आ गया मेरे को तो बस लग रहा है कि कब विंटर्स आए और मैं इसे पहनूं हल्का सा वार्म है बट इसका जो कलर कॉम्बो है ना गाइस वो बहुत ज्यादा प्रिटी है ये इसका लोअर पार्ट है कमिंग टू अनदर कॉट सेट आई हैव दिस ब्यूटीफुल ब्लू ओवरसाइज ऑफ दिस लिटिल वार्म लाइक अभी तो गर्मियों में पहनने का मौसम नहीं है दिस ब्लेजर वॉज 250 बात सो ये ब्लेजर है ये यूनिक कलर था मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है बहुत प्रिटी है ये टॉप है ब्लू कलर का इट वॉज अराउंड 200 या 100 का ही था मॉर्निंग एंड नाइट मार्केट की तरफ सो लेट्स स्टार्ट द वन एंड ओनली लोअर बॉटम पीस जो मैंने पूरे थाईलैंड में खरीदा इज दिस ये ग्रीन कलर का कार्गो कॉटन स्टफ है एंड इट वॉज अराउंड 70 भाट रुपीज ये बहुत प्यारी फिटिंग भी बहुत प्यारी है सो नेक्स्ट इज दिस प्रिटी कॉर्ड सेट ये 250 का कॉर्ड सेट है गाइस लाइक 500 टू 600 के अराउंड में आपको शॉर्ट्स एंड शर्ट मिल रही है ये बहुत प्यारा सैल्मन कलर है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें कॉर्ड सेट स्टार्ट होते हैं अराउंड 2000 रुपीज से एंड ये मुझे मिला है 500 रुपीज का नेक्स्ट इज दिस प्रिटी कॉट सेट अगेन ये ग्रीन कलर मुझे बहुत प्रिटी लगा और मेरे पास ज्यादा ग्रीन कलर था भी नहीं ये भी 250 रुपीज का है और ये भी ये नाइट मार्केट से है फिर मैंने ये व्हाइट कलर का क्रोशिया टॉप लिया है मम्मा के लिए एंड दिस वाज फॉर 100 भाट दिस इज द वेस्ट कोट गाइस ये मैंने वेस्ट कोट ड्रेस वेस्ट कोट लिया था ये मैंने लिया है 100 भाट का मैंने दो सेक्सी सी ब्रालेट्स ली है दिस इज फॉर 50 भाट 50 भाट सेम पैटर्न डिफरेंट कलर एंड ये बैकलेस है नेक्स्ट अप इज दिस प्रिटी पिंक टॉप ये बेसिक कलर के कपड़े थे 70 भाट का था ये 150 भाट का था लाइफ गोज ऑन द शो स्टॉपर ऑफ दिस वीडियो इज हियर दिस प्रिटी फंकी डेनिम जैकेट विद सीक्वेंस एंड मेशनेट है इसमें ये तो सच में डील ब्रेकर वाली थी सिचुएशन लाइक ये तो इसके लिए तो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि मैंने ये ली ये मुझे मिली 100 भात में 200 रुपीस अब हम बढ़ते हैं अपने आगे पर्सेस एंड हैंडबैग्स की तरफ फर्स्ट वन इज दिस जूट बैग ये पिकनिक बैग है आजकल ये बहुत ज़्यादा पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहा है अराउंड 250 to 300 था अगर आप इंस्टाग्राम पे एंड पिंटरेस्ट पे एक्टिव हो मेरी तरह तो आपको पता होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आर यूजिंग पर्स बहुत ज़्यादा फैशन में बहुत सारी साइट्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी 3000 5000 एंड मैं इतना बेयर नहीं कर सकती आई गॉट दिस फॉर 200 बार लाइक 400 कहाँ मैं 3000 या 5000 खर्च करती एंड कहाँ मुझे मिल रहा है लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अपनी फुटवेयर्स की फुटवेयर्स तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए तो एक पेयर मैंने लिया है हील्स का लाइक ड्रीम हील्स लाइक कॉनिकल हील्स हैं दीज आर सुपर ट्रेंडी हील्स ये कॉनिकल हील्स आजकल काइली जेनर एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पहन रहे हैं AMT ब्रांड है ये H&M की तरह लगा मुझे सो इट वॉज फॉर 700 भात सो ये मैंने लिया स्ट्रीट मार्केट से एंड इट वॉज अराउंड 150 to 200 भात और ये इतने ज़्यादा कम्फी है ना गाइस ऐसे लगते जैसे
मतलब हमने ना अपना पैर ना मक्खन पे रख दिया है, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज प्रीटी ज्वेलरी स्टफ जो मैंने खरीदी, एक्सेसरीज वगैरह सब। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द ज्वेलरी सेक्शन। एंड सबसे पहले ये प्रीटी ब्लू नेकलेस, मैंने सारी ज्वेलरी जो है वॉकिंग स्ट्रीट से खरीदी है। एंड ये वाला नेकलेस इज अराउंड 250 बात। सो गाइस दिस इज द अनदर पीस, ये है थर्ड थ्री लेयर पीस। ये मैंने थ्री लेयर पीस खरीदा है, मेरे पास कोई थ्री लेयर पीस नहीं था। एंड ये बहुत प्यारा है, वाइट एंड गोल्डन एंड बीज जो इसकी आ रही है बीट्स, बहुत ही प्रिटी है। नेक्स्ट अप वी हैव इज अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। ये भी ब्रेसलेट मैंने सेम शॉप से लिया है, इंदिरा स्क्वायर से। ये जितने भी ब्रेसलेट्स हैं सारे 80 भात के हैं। नेक्स्ट अप इज दिस क्रिस्टल ब्रेसलेट राइनस्टोन, इसे बहुत ही प्यारे राइनस्टोन लगे और अंदर से भी ना इतनी प्यारी फिनिश है इसकी कि आपके कपड़ों पे ना तो ये कभी उलझेंगे ना कुछ होगा। एंड इसी से सिमिलर मैंने लिया ये थोड़ा गोल्डनिश कलर में, फोनिश एंड गोल्डनिश कलर में, कि आपके इंडियन ड्रेसेस पे ये मिक्स मैच करके हम पहन सकते हैं। इज ब्यूटीफुल हेयर एसेसरीज, ये जूड़ा पिन है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, जब हम जूड़े में पहनेंगे तो ये बहुत प्यारा लगेंगे। हेयर क्लिप्स ये मैंने लिया है, 15 भात का सेट था। एंड दिस वन पर्ल क्लिप ये था 10 भात का। अब मैंने परचेज किए थे कुछ ये इयररिंग्स, ये है सुपर प्रिटी इयररिंग्स, ये 30 भात के हैं। दिस प्रिटी गोल्डन इयररिंग्स आर ऑल्सो फॉर 30 भात। राइनस्टोन्स के लिए ये लिए, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ये तो 20 भात। मैंने ये गोल्ड चेन खरीदी है, सो इट इज़ चंकी गोल्ड नेक पीस विद दिस क्यूट सीशेल, बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये मैंने पहना भी था पटाया में। दिस वन इज़ द सेकेंड, सेम चंकी है बट इसका लॉकेट थोड़ा सा डिफरेंट है, अ क्यूट बटरफ्लाई। मेरी फ्रेंड्स की भी सबकी यूनिक यूनिक पैटर्न है। सो यस, एक बात आप नोट करिए, मैंने बहुत बार पहना है, ये हाथ से थोड़ा सा टार्निश हो गया बट मेन पार्ट जो है वो अभी तक टार्निश नहीं हुआ है। और एंड दिस वन वॉज फॉर 50 भात। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर देना। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट्स में नीचे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। एंड आई विल बी बैक अगेन विद अमेजिंग व्लॉग्स एंड वीडियोस। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।